अजय सुनिए। हाँ? पेपर छोड़िए ना। हाँ पर क्या है? हमें जल्द से जल्द रचना के हाथ पीले कर देने चाहिए। पीले मतलब शादी? और नहीं तो क्या। अरे इतनी बड़ी हो गई रचना? अरे तो और कितनी बड़ी करोगे उसे? अजी मैं तो 15 साल की थी जब हमारी शादी हुई थी। तब तो मैं खुद भी सावित्री 5 दिन कम था तुमसे, पर मैंने तो पर क्या अजी इस जिम्मेदारी से भी तो मुक्त होना है हमें। ठीक है पर कोई ढंग का लड़का भी तो मिले। आपको याद है कपिल ने जब रचना की कुंडली देखी थी तो क्या कहा था? क्या कहा था? यही कि इसके लिए लड़का तो घर बैठे आएगा, वो भी मेरे जरिए। तो जब आएगा तब कर देंगे। मैं तो हमेशा की तरह वही करूंगा जैसा तुम कहोगे। डॉक्टरों को भी इतनी किताबें पढ़नी पड़ती हैं? पढ़े लिखे तो होते हैं ना हम लोग। नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो आपका मतलब ये था कि नौकरी लगी और पढ़ाई खत्म। हाँ। अरे नहीं नहीं पढ़ाई तो पूरी उम्र चलती रहती है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो। पढ़े कैसे डॉक्टर साहब? बेड तो आपने हमारा हथियार लिया है। ये आपका बेड है तो? नहीं नहीं पकड़े रहिए, एक बार जो चीज हाथ में आ जाए ना उसे पकड़ के रहना चाहिए। हमारा क्या है, हम तो सोफे पे सो जाएंगे। अरे नहीं नहीं आप सोफे पे क्यों सोएंगे, मैं जाता हूँ ना। नहीं नहीं आप गेस्ट हैं और आप बेस्ट हैं, अतिथि देवो भव। हमारी माँ ने हमें यही सिखाया। ये अग्नि की बात का बुरा मत मानना, इससे जरा तमीज नहीं है बात करने की। दिल का मीठा है पर जबान का थोड़ा कड़वा है। नहीं नहीं आंटी कोई जबान का कितना भी मीठा हो, लेकिन अगर उसकी जगह कोई छीनेगा उसका दिल तो दुखेगा ही ना। हम सभी को अपनी अपनी जगह से बहुत प्यार होता है। मेरे ख्याल से अग्नि का गुस्सा बिल्कुल करेक्ट था। क्यों रचना? हाँ मैं पता नहीं इसे क्या हो गया, आजकल ये दिन में ख्वाब देखने लगी है। लेकिन चाय बहुत अच्छी बनाती है। वो भी एक आर्ट है। हाँ, एक से एक आर्टिस्ट पैदा हुआ है ना मेरे घर में। आंटी आप लोगों ने जितने अधिकार से और प्यार से मुझे यहाँ पे रोका है, मुझे समझ में नहीं आता कैसे कहूँ। कुछ मत कह बेटा, कहने से बात हल्की हो जाती है। बैठ चाय। Don't touch me! Just don't touch me, okay?